मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। उन्होंने क्यों नहीं किया? अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब आप उनसे पूछिए बारे में, हमने तो अपना प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए, पक्ष में जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हुए आगे अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है भाई। आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को, उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया? अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब आप उनसे पूछिए बारे में, हमने तो अपना प्रयास किया, हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझौता हो जाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए। और पूरे चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार इसी बात पे फोकस रखा कि बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए, और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसकी चर्चा की। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने गठबंधन नहीं किया, अकेले गए चुनाव में। वो आपके लिए कह रहे हैं कि आपने गठबंधन नहीं किया, उन्होंने तो 10 साल पहले हमने ऑफर दिया था, आपने माना नहीं, और आपकी स्थिति खुद बहुत अच्छी नहीं है, कई जगह जमानत जब्ते हुई है। तो अब आप दोनों बात एक ही साथ कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि वो चाहते भी थे और कुछ मानते भी नहीं थे। तो जो आदमी कुछ मानता भी नहीं है आम आदमी पार्टी को, वो चाहता कैसे था कि गठबंधन हो जाए? आप कहिए तो मैं सुना देता हूं आपको, आपकी इच्छा है तो मैं सुना दे रहा हूं। नहीं, लंबी चर्चा आम आदमी पार्टी पे कर रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा के दर्शक और भी हो रहे होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सेक्टर ही नहीं है हरियाणा में, और ये हमें आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई सेक्टर दिखती नहीं। आप भी जो इतनी लंबी चर्चा आम आदमी पार्टी पे कर रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा के दर्शक और भी हो रहे होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सेक्टर ही नहीं है हरियाणा। तो कोई फैक्टर ही नहीं मानते थे, वो कह रहे हैं बोर हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का नाम ही लेगा। फिर अब आप कह रहे हैं चुनाव हारने के बाद वो कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे थे, ये तो चुनाव के पहले का वीडियो है। सर, लेकिन आप आगे वाले चुनाव की स्थिति भी साफ कर दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में, झारखंड, खासतौर पर दिल्ली में, क्या आम आदमी पार्टी ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं रहेगा, अकेले चुनाव लड़ना है? आज जिस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पे अपनी बात मैंने कह दी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।